अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्योंकि नहार की छोटी माँ उसे मनाएगी। दादी जी तो अग्नि की शादी नहार जी से करवाने की बात कर रही हैं। मुझे कुछ करना होगा। नहार, नहार, ये नहार कहाँ चला गया? कहीं बाहर तो नहीं है? देखते हो। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अग्नि की आवाज है, ये फिर से क्यों चिल्ला? बचा मुझे! माँ, ये तो अग्नि की आवाज है। हाँ, चलो जाके देखते हैं। गोयनका निवास गए थे प्रतीक के पापा। तो की बात रूही से हुई है, इसका मतलब रूही जिंदा है। दादी चुप कर, तू पागल हो गई है क्या? तू कुछ भी बोल रही है मतलब? अरे उनकी उम्र हो गई है, वो तो कुछ भी सोच सकते बोल सकते। तुझे क्या हुआ? तूने खुद देखा था ना रूही को, पहाड़ से कूदते हुए देखा था तूने? इतनी ऊंचाई से कूद कर कैसे कोई इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं चल चल, बेटा जो लोग ऐसे अचानक से चले जाते हैं ना, वो कई बार आत्मा बनकर अपनों से मिलने आते हैं, उनसे बात करने। या फिर ये भी हो सकता है तेरे दादू ने कोई सपना अपना देख लिया हो, और सपने में उन्होंने रूही को देखा जिसे वो सच समझ बैठे। ये जो बुढ़ापा होता है ना, ये अलग तरह की बीमारी होती है। इसमें कई बार ऐसे सपने आते हैं इंसान को जिसे वो उस सच समझता है। तेरे दादू ने भी ऐसा हो सकता है समझा, लेकिन चूही अब हम ये बात तेरे दादू को नहीं बता सकते। उन्हें रूही की सच्चाई का हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो क्या पता उन्हें सदमा लग जाए और कुछ हो जाए उन्हें तो। दादी, काश रूही की आत्मा मुझे भी दिखाई देती, उससे भी मिलने आती। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। क्यों भाग रही हो दादी? वो कमरे में
क्या हुआ कमरे में? नार, तुम्हारे तुम्हारे कमरे में बेड पे कुछ कुछ है। क्या है? आप लोग खुद ही चल के देख लीजिए। चलिए दादी, दादी 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 चलो दादी चलो दादी चलो 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 दादी 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 वो देखो वो बेड पे दादी अग्नि। अरे क्या है अग्नि यार? तुम यहाँ कुछ भी तो नहीं है अग्नि यहाँ। बोलो अग्नि, क्या देखा तुमने जो चिल्ला रही थी ऐसे? पोरा, अगर पोरे के बारे में बताए तो कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए। अग्नि क्या बात है? यहाँ एक चूहा था। चूहा? अग्नि, एक चूहे के लिए तुमने पूरा घर सर पे उठा लिया? हद है। अब क्या है ये सब? हाँ, पूरा खाना गिरा दिया। साफ करो इसे अभी। मैंने खुद देखा था, यहाँ वो मिट्टी थी, रूही थी, यहाँ पर सब अचानक गायब कैसे हो गया? इतने जल्दी साफ कैसे हो गया? कहीं सच में तो रूही के हाथ में परेशान तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन रूही की तो आत्मा शांति पूजा हो चुकी है ना, फिर क्यों मुझे रूही परेशान कर रही है? मैं कैसे बचूं इन सब से? अग्नि, तुम कितनी भी शांति पूजा करवा लो लेकिन तुम नहीं बचोगी। मेरे साइन क्यों तलाक के कागज आए कैसे? उस दिन तो दादी जी ने सिर्फ मुझे रेस्टोरेंट में बात करने और मिलने के लिए बुलाया था, मैंने तो कहीं पे साइन भी नहीं किया। आज आपकी आंखों में जो हमने देखा, एक नया एहसास। एक एहसास जिसे प्यार कहते हैं, जो पता नहीं कब कहां कैसे मुझे तुमसे हो गया। हाँ रेपा, मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 7:30 बजे। एक सेकेंड। उस दिन उस रेस्टोरेंट में मैंने साइन किए थे अपने। हे भगवान, दादी जी ने उस रेस्टोरेंट से मेरे साइन ही चुरा लिए। दादी जी को मेरा और पिंकू जी का तलाक करवाना है ना, और मलिष्का को अपने घर की बहू बनाना है। तो ठीक है, फिर अब यही होगा। दादी जी को पलक और मलिष्का के बीच का फर्क बताना ही पड़ेगा। हाँ बोलो पलक। मैं पिंकू जी को तलाक देने के लिए तैयार हूँ। तलाक तो मैंने करवा दिया, लेकिन अब जब पलक खुद तैयार है और सामने से तलाक की बात कर रही है तो सब कुछ और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं तलाक की प्रक्रिया शुरू करवाती हूँ। रूही का जो भूत सवार है ना, उसे उतार रही हूँ, क्योंकि तुम घर में सबको
परेशान कर रही हूँ। तुम ये सब छोड़ो और रूही की जगह लेने के बारे में सोचो। किसी को भी घर में रूही के जाने का गम नहीं होना चाहिए। क्यों? तभी तो तुम नाहर की पत्नी बन सकोगी ना। आप सही कह रही हैं दादी, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सबके दिलों से रूही की यादें मिट जाए, कुछ ऐसा जैसे वो कभी थी ही नहीं। सब सो रहे हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख से नींद भी नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, जल्दी से एक सैंडविच बनाकर खा लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। सब क्या है? इतनी रात का सैंडविच कौन बना रहा था? पक्का अवनी होगी, उसे हमेशा रात को भूख लगती है। सैंडविच तो बना लिया लेकिन सारा सामान बाहर छोड़ दिया। फिर से माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो गया। पहले रूही के हाथों बनी कॉफी पी के माइग्रेन का दर्द फट से चला जाता था, लेकिन अब खैर मैं खुद अपने लिए कॉफी बना लेता हूं। ये कैसा टेस्ट है? ये तो बिल्कुल रूही के हाथों जैसे नहीं है। पता नहीं रूही ऐसा क्या मिलाती थी जिससे कॉफी का टेस्ट भी अलग लगता था और मेरा माइग्रेन का दर्द भी चला जाता था। नाहर जी दर्द से इतने परेशान हैं, मुझे कैसे भी करके उनकी मदद करनी होगी, पर मैं ऐसा क्या करूं?
ये ग्लास कैसे गिरा? शायद हवा से गिरा होगा। नारजी के माइग्रेन के लिए मैं हमेशा उनकी कॉफी में नारियल का थोड़ा सा दूध मिलाती थी ताकि उनके सर दर्द को आराम मिले। अरे मेरी कॉफी, कॉफी जैसी भी बनी है पी लेता हूं। इस कॉफी का टेस्ट तो बिल्कुल बदल गया। ये तो बिल्कुल रूही के हाथों बनी कॉफी जैसी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी एक मिनट पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। कभी कभी जो मुझे एहसास होता है कि रूही मेरे आसपास है, रूही शायद मेरे आसपास ही है। मैं अग्नि का सच उसके मुंह से ना उगलवा लूं तब तक मैं किसी के सामने नहीं आ सकती। और उसके लिए मुझे सबसे पहले अग्नि के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने होंगे। मुझे अग्नि के कमरे की तलाशी लेनी होगी। जी मैडम, अग्नि जी का पार्सल। थैंक यू। धन्यवाद। अब आंटी मेरा एनवेलप आ गया क्या? हाँ अग्नि, लेकिन इसमें है क्या? आंटी ये मेरे लंदन के टिकट्स। क्या अग्नि तुम लंदन जा रही हो? जी दादी। अग्नि दादी, आंटी अब मेरे लिए यहाँ रखा ही क्या है? कितने दिन हो गए और नाहर अभी भी उसी गम में है। लेकिन आंटी मुझे तो आगे बढ़ना है ना जिंदगी में, और अब तो रोही के दिए हुए घाव भी भरने लगे हैं। एनीवेज मैंने लंदन में वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था, वो भी आने ही वाला होगा। उसके बाद मैं लंदन में जाके काम करूंगी और वहीं सेटल हो जाऊंगी। सोनी, हमें अग्नि को जाने से रोकना होगा। अगर वो चली गई तो हमारे नाहर का घर दोबारा नहीं बस पाएगा। लेकिन माँ जी हम नाहर को मनाएंगे कैसे? अरे वो तुम समझो। जी मैं सोनी, तुमने उस गवार रूही के साथ शादी करने के लिए नाहर को पहले भी मनाया था ना, और उसने एडजस्ट भी किया था, पर अब रूही नहीं है तो नाहर और अग्नि की जोड़ी बनाओगी तुम, क्योंकि ईश्वर ने उन दोनों का नाम साथ लिखकर भेजा है। भगवान, दादी जी तो अग्नि और नारजी के रिश्ते की बात कर रही है, और मैं अभी तक अग्नि के मुंह से उसका सच
बाहर नहीं निकलवा पाई हूँ और अब नहीं कर रही, ऐसे चोरों की तरह रह रही हूँ। मुझे अग्नि के खिलाफ जल्द से जल्द सबूत ढूंढना होगा और उसका सच बाहर लाना होगा। ये टिकट तो नकली है, लेकिन कम से कम इसके डर से ही सही आंटी और दादी ने मेरे और नाहर की शादी की बात तो की। किसका कॉल आ रहा है? इंस्पेक्टर, इसे क्या काम हो सकता है मुझसे? हेलो। हेलो, हाँ मैडम, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आप जल्दी आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे आप मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? थोड़ा आगे पीछे खड़े रहिए ना, कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप रुकिए, मैं आती हूँ। ये मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? ये तो आ, 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 ये तो नकली छुटका पैच का ग्लू निकल रहा है, इसे लंबे समय तक लगाना है, क्योंकि इसी की वजह से सबने माना था कि रोहित ने मुझे मारा है। अब ग्लू कहाँ रखा था मैंने? अब उधर देखती हूँ। ग्लू कहाँ रख दिया? उधर देखो क्या?